शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज एक बार फिर देश के लिए मर मिटे जवान, खंड फरुखनगर के गांव सिवाड़ी से आतंकवादियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान अजीत यादव शहीद हुए। असम के मिरियानी में आतंकवादियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए गांव सिवाड़ी के जवान अजीत यादव का पार्थिव शरीर रविवार को उनके पैतृक गांव में पहुंचा। सेना के जवान अजीत यादव का पार्थिव शरीर देखते ही गांव में शोक की लहर छा गई। शहीद की पत्नी ज्योति देवी सहित प्रियजन पार्थिव शरीर के चारों तरफ लिपटकर रोने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने जब तक सूरज चांद रहेगा अजीत तेरा नाम रहेगा के नारे लगाए। शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। शहीद अजीत यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दी गई। सेना के जवान द्वारा शहीद के सम्मान में 3 राउंड फायर भी किए गए। अजीत यादव को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। प्रशासन की ओर से तहसीलदार नवजीत कौर ने पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किए। उसके अलावा अनेकों नेताओं ने, समाज सेविकों ने और क्षेत्र के प्रमुख लोगों ने भी पुष्प चक्र अर्पित किए, जिनमें मुख्य रूप से पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, कांग्रेस नेत्री परल चौधरी, सुधीर चौधरी, पूर्व विधायक बिमला चौधरी, पूर्व उप प्रमुख संजीव यादव, जिला पार्षद यशपाल, पूर्व जिला पार्षद अजीत यादव, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दलीप छिल्लर, पूर्व सैनिक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र यादव आदि भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। अजीत यादव के पिता ईश्वर सिंह ने बताया कि अजीत का सपना पहले से ही देश सेवा करना था। करीब 15 साल पहले वह सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने बताया कि अजीत घटना से 4-5 दिन पहले ही छुट्टियां काट कर गया था। वह करीब 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था। 5 दिन पहले उसकी छुट्टियों की अवधि पूरी हो चुकी थी और वह अपने परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर वापसी ड्यूटी चला गया था, किंतु आसाम में हुए दर्दनाक हादसे से उनका बेटा शहीद हो गया। वह अपने 10 वर्षीय बेटे अंशुल को पीछे छोड़कर गया है। अजीत यादव के पिता का कहना है कि उसका छोटा बेटा अमित यादव भी सेना में ही देश की सेवा कर रहा है। अजीत यादव के पिता ईश्वर सिंह गांव में खेती का कार्य करते हैं। शहीद के पार्थिव शरीर के सम्मान में ग्रामीण बड़ी संख्या में दाबोदा मोड़ से ही गांव सिवाड़ी तक तिरंगा यात्रा लेकर निकले, जिसमें बड़ी संख्या में बाइक सवार भी शामिल रहे। इस मौके पर गांव के सरपंच शेर सिंह, पूर्व सरपंच राजपाल, विनोद सरपंच, खेमचंद सरपंच, राजपाल सतपाल, अतिरिक्त थाना प्रभारी कुंदन, गिरदावर सिंह, बीर सिंह, भगवती चरण नंबरदार, राहुल बसंत, सोनू शर्मा, संदीप, वरुण, जीतराम मास्टर, जेपी मास्टर, हंसराज, सत्यवीर आदि के अलावा हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। दूर दूर वाला। Let's go.